रुपयों के शेयर्स बाय किए और आपने अपने पास उसको विदहोल्ड कर दिया जब मार्केट में बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आपका जो इन्वेस्टमेंट का ईयर है वो ख़त्म हो जाएगा कंपनी ने डिविडेंड्स अनाउंस किए कंपनी लॉस में गई या प्रॉफिट में गई आपने उसकी सूरत हाल को देखा मार्केट के अंदर देखा अभी वो कितने रुपए उसकी प्राइस डिफाइन हुई है मार्केट फोर्सेस के इंटरेक्शन से और इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके आपने उसको बेच दिया या आपने पास रिटेन किया तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को हम पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं और ऑन द कंट्री इसके अलावा देर एज देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ़्ते की फ्लक्चुएशनस को मॉनिटर करके या मंथली बेसिस के ऊपर वो देखते हैं उतार चढ़ाव मार्केट का और जैसे ही देखते हैं किसी भी फाइनेंशल इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी स्टॉक की या शेयर की प्राइस में बड़े फ्लक्चुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ड्राप हो रही है उसको वो फ़ौरन बेच देंगे या खरीद लेंगे या इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ऑफ एंड ऑन आप देख सकते हैं कि उनमें वो शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटी जिसमें कंटिनुअस सेलिंग और परचेजिंग हो रही है तो दैट इज़ दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग सो वेन वी टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग जब हम देखते हैं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बेंच करते हैं कंसिडर करते हैं मार्केट के जो भी फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान अगर के एस हंड्रेड को या के एस थर्टी को देखकर वो उन्होंने कोई शेयर्स बाय किए हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर या डिविडेंड का इंतज़ार करके ही सेलिंग या परचेस करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन अगर आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूचुअल फ़ंडस को जो डील करते हैं लोग या म्यूचुअल फ़ंड की कंपनीज हैं उसमें वो, वो देख रहे हैं कि डे टू डे फ्लक्चुएशंस को मॉनिटर करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करके वो सेलिंग एंड परचेज कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिव इन्वेस्टिंग सो दीज आर द टू स्ट्रैटीज इन विच वी कैन इन्वेस्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर कि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट करता है या एक्टिव इन्वेस्टमेंट करता है पैसेव इन्वेस्टर्स यूजअली रिस्कवर्ट होते हैं और एक्टिव इन्वेस्टर्स यूजुअली रिस्क लवर्स होते हैं सो वहाँ रिस्क टेकिंग का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू द पैसिव इन्वेस्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वेन वी इन्वेस्ट इन अ अटन स्टॉक और वन वी इन्वेस्ट इन अ सर्टन फाइनेंशियल टूल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूजअली वी कंसिडर इट्स बीटा बट वेन वी टॉक अबाउट द एक्टिव इन्वेस्टर वो क्या करते हैं वो एल्फा को ऑब्जर्व करते हैं सो बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टर्स एल्फ़ा की वैल्यूज़ को मॉनिटर करके उसकी बेसिस के ऊपर सेलिंग एंड परचेस कर रहे होते हैं अब आप सोच रहे होंगे अल्फ़ा है क्या और बीटा है क्या तो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली डिस्कस दीज टू टर्म्स इन डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डमेरिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं डेटा की मदद से लेकिन अभी आप अभी की समझ के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अल्फ़ा इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ रिटर्न ऑन एनी एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो compared टू एन इंडेक्स वो इंडेक्स आपका कि ऐसी वन हंड्रेड हो सकता है या आप बोलें कि uh, कोई भी जो नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न के साथ हम मैच करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को और आप उससे एल्फ़ा निकालते हैं सो एल्फ़ा बेसिकली कंसिडर होती है वन वी आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग सो एक्टिव इन्वेस्टर्स मेन डिसीजन मेकिंग करते हैं अल्फा की बेसिस के ऊपर फिर आज इन्वेस्टर जो हैं वो मैच करते हैं कोई भी इंडेक्सेस को जिससे आप मार्केट की ओवरऑल एवरेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं